पूजनीय एवं स्मरणीय स्वनाम धन्य संत माचा स्वामी ने समाजोत्थान की दिशा में इतने काम किए हैं कि वे युगों युगों तक अमर रहेंगे। इस परिपेक्ष में सर्वथा उपयुक्त कथन है, तीन सजावट देश को सती संत और सूर, तीन नसावट देश को कपटी कायर क्रूर। आज स्मरणीय माचा बाबा के कार्यों को देखकर लगता है कि ऐसे ही संत देश को सजाते संवारते और सर्वतो विकास की ओर अग्रसर करते हैं। इसी कड़ी में आध्यात्मिक गुरु माचा स्वामी द्वारा 1959 में स्थापित यह महाविद्यालय बिहटा जनपद तथा मनेर विधानसभा का अकेला महाविद्यालय है जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई होने के साथ साथ ग्रामांचल के विशाल क्षेत्रों में फैली हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र छात्राओं को ऊंची शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सद्गुरु ने इस महाविद्यालय की स्थापना की थी। आज 12,000 से अधिक छात्र इस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं। स्थापना काल में श्री अवधेश कुमार सिन्हा प्राचार्य रहे। प्राचार्य के रूप में डॉक्टर ब्रजनंदन रावत कुलपति के साथ साथ बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे। डॉक्टर सीवी शर्मा, प्रोफेसर मदन मोहन त्रिपाठी, प्रोफेसर उदय शंकर जैसे महान शिक्षाविद भी इस महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में कार्यरत रहे। स्थापना काल से ही इस महाविद्यालय के शैक्षणिक प्रसार का अपना गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। अपने गौरवशाली इतिहास को सहेजे हुए यह महाविद्यालय विकास के मार्ग पर निरंतर अग्रसर है। परिस्थिति और समय के अनुकूलता तथा प्रतिकूलता का असर इस महाविद्यालय पर भी पड़ा। कोरोना काल में महाविद्यालय के शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिकूल असर पड़ा। बावजूद इसके यह महाविद्यालय अपनी सहजता का परिचय देते हुए निरंतर अपनी रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रहा। योग्य शिक्षकों की एक छोटी सी टीम ने विशाल महाविद्यालय के शैक्षणिक स्थितियों का निरंतर जायजा लिया। परिणाम स्वरूप इस महाविद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया। आइए हम अपने महाविद्यालय परिसर का अवलोकन कराते हैं। हमारा विशाल परिसर जिसके एक कोने पर जीर्ण अवस्था में अवस्थित स्टेडियम है, उसके ठीक बगल में अभी अभी छात्रों के क्रिकेट खेलने हेतु पिच का निर्माण हुआ है। इसके ठीक बगल में महाविद्यालय का जुबली भवन है जहां अनेकों नेक कार्यक्रम होते हैं जो आज की स्थिति में छत विच्छत है। जुबली भवन के बगल में गीता भवन अवस्थित है। इस भवन के निचले तल्ले पर जहां हिंदी विभाग, दर्शन शास्त्र विभाग तथा अंग्रेजी विभाग है, वहीं इसके ऊपरी तल पर नैक कार्यालय है। 2017 में महाविद्यालय को नैक के द्वारा सी ग्रेड प्राप्त हुआ जिसका CGPA 1.87 था। गीता भवन के ठीक बगल में UGC द्वारा निर्मित छात्राओं का छात्रावास है। हालांकि यह कहने में कोई संशय नहीं कि इतने विशाल छात्रावास में आज की तिथि में कोई भी छात्राएं नहीं है, जबकि हमारे कुल छात्र छात्राओं का 65% छात्राएं ही है। इसके आगे शेड का पौराणिक हॉल है जो छात्राओं का कॉमन रूम है। इसी के बगल में ऐतिहासिक NCC कार्यालय है। बिहटा प्रदेश में NCC का होना विशेष महत्व रखता है। ऐसा भी समय आया जब यह NCC महाविद्यालय में बंद होने के कगार पर आ गया। ऐसे प्रतिकूल समय में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मुकेश कुमार ने इसकी कमान संभाली और आज NCC के छात्र छात्राएं B और C सर्टिफिकेट हासिल करने में पूरी यूनिट में प्रथम स्थान पर है। इस कॉर्नर से जब हम आगे बढ़ते हैं तो छात्रों का वर्ग कक्ष मिलता है जिसके ठीक बाद क्रमशः वनस्पति शास्त्र विभाग, जंतु शास्त्र विभाग, भौतिक शास्त्र विभाग तथा समृद्धशाली
रसायन शास्त्र विभाग है जो आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। इसके ठीक सटा क्लासरूम है, बगल में अवस्थित गणित विभाग जिससे सटा शिक्षक कक्ष है, कोने पर अवस्थित भवन के निचले तल पर राजनीति शास्त्र विभाग तथा अर्थशास्त्र विभाग है तथा ऊपरी तल पर मनोविज्ञान विभाग तथा प्रयोगशाला कक्ष है। अब यहां से आगे प्रशासनिक भवन का रुख करते हैं। प्रोटीगो के दाहिने तरफ परीक्षा विभाग, बगल में प्रधानाचार्य कक्ष तथा बाहरी बरामदे से लगा वित्तेक्षक कार्यालय एवं उसके बगल में प्रशासनिक कार्यालय अवस्थित है। जब हम वापस सीढ़ियों का रुख करेंगे तो इसी भवन के ऊपरी तल्ले पर दाहिने तरफ व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत बीलीज, बीसीए, बीएससीआईटी का समृद्ध लैब रूम तथा क्लासरूम अवस्थित है, जहां बच्चे सुयोग्य शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त कर अपने उज्जवल भविष्य का नींव रखते हैं। इससे सटा लगा हुआ ऐतिहासिक पुस्तकालय है, जिसका अभी अभी ऑटोमोशन का कार्य कराया गया है। आज की तिथि में यह इस क्षेत्र का विशाल पुस्तकालय है जो पूर्णतः आधुनिक है। हमारे पुस्तकालय में लगभग 25,000 पुस्तकें हैं। आज हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि 6 जनवरी 2021 को प्रधानाचार्य के रूप में डॉक्टर बीके सिंह ने यहां का प्रभार ग्रहण किया। तत्पश्चात छात्रों की पीड़ा को देखते हुए उन्होंने स्टूडेंट फी कलेक्शन एवं शेड के साथ साथ छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग वॉशरूम का निर्माण, ऑफिस में केबिन का निर्माण, प्रशासनिक भवन में प्रवेश के पास पोर्टिको का निर्माण, सामने फील्ड की साफ सफाई तथा बाउंड्री वॉल निर्माण के साथ ऊपर भव्य सेमिनार हॉल तथा मीटिंग हॉल का निर्माण कराया। इस प्रकार यह महाविद्यालय अपने वर्तमान समय में आधुनिक, आकर्षक तथा शैक्षणिक दृष्टि से अव्वल सिद्ध हुआ है। महाविद्यालय कार्यालय के पीछे तथा स्टूडेंट कलेक्शन शेड के बगल में महाविद्यालय का नवनिर्मित कैंटीन है। स्पोर्ट्स के अंतर्गत महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने दौड़, गोला फेंक, जैवलिन थ्रो, ऊंची कूद, लंबी कूद इत्यादि महाविद्यालय स्तर, राज्य स्तर तथा राष्ट्र स्तर के प्रतियोगिताओं में अपना मेडल पक्का किया है। महाविद्यालय का एनएसएस विंग भी काफी समृद्ध है, जो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। महाविद्यालय के प्रांगण में खो खो, कबड्डी, क्रिकेट तथा बास्केटबॉल के मैदान हैं, जहां पर नियमित रूप से कॉलेज के छात्र एवं छात्राएं अभ्यास करते हैं तथा यहां वर्ष भर में खेल कूद से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती रहती है। छात्र छात्राओं के लिए कैंटीन एवं स्टूडेंट फी कलेक्शन कॉर्नर शेड निर्माण के समय प्राचार्य को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसी कैंपस के ऊपर से 11,000 वाट बिजली का तार गुजरता था। इसे किसी प्रकार प्राचार्य ने अध्यक्ष इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आग्रह कर कैंपस से बाहर कराया। इसी प्रकार महाविद्यालय परिसर के कॉर्नर पर बना स्टेडियम, जो राज्य सरकार द्वारा 2010 में निर्मित कराया गया था, उस समय तत्कालीन प्राचार्य से एनओसी लेकर राज्य सरकार ने उसे अपने अधीन कर रखा था। चूंकि कैंपस में ही बना नया स्टेडियम का बाउंड्री वॉल महाविद्यालय से उसे पृथक बनाता था, अतएव यह नवनिर्मित स्टेडियम स्थानीय असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया था। हमारे प्राचार्य प्रोफेसर बीके सिंह ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी से गुहार लगाकर किसी प्रकार बिहार सरकार के कब्जे से इस स्टेडियम को मुक्त कराने के साथ ही साथ उसकी साफ सफाई एवं असामाजिक तत्वों के कब्जे से मुक्त कराया। हमारा पूरा परिवार जो आज इस रूप में अवस्थित है, इसके सूत्रधार एवं प्रेरणा स्रोत नए प्राचार्य ही हैं। पूरे कैंपस को सीसीटीवी कैमरा की निगरानी युक्त बनाने का श्रेय भी वर्तमान प्राचार्य को जाता है।
जिससे कि छात्र छात्राओं तथा परिसर की निगरानी प्राचार्य कक्ष से की जाती है। समय समय पर प्राचार्य कक्षाओं के निरीक्षण के साथ ही साथ स्वयं वर्ग का संचालन भी करते हैं। इस प्रकार यह महाविद्यालय अपने वर्तमान स्वरूप में जीवंत तथा विकासशील है।